92 इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं फैसल अब्बासी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मेरे भाई जानब मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर एंकर पर्सन शाजिया ज़ीशान साहिबा भी तशरीफ़ फरमा है, शाजिया साहिबा आपका शुक्रिया। उनके साथ यासीन आज़ाद साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मायनाज कानूनदान हैं, यासीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ सीनियर एंकर पर्सन सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट पीजे मीर साहब, मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब डिफेंस एनालिस्ट और बहुत अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर साहब शुक्रिया आपका। राना अजीम साहब हर दिल अजीज़ 92 न्यूज़ के एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी सीनियर एनालिस्ट, राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ सीनियर एंकर पर्सन शाहिद रिंद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रिंद साहब आपका शुक्रिया। डेवलपमेंट से एक तो अफसोसनाक वाक़ात जो बलोचिस्तान में पेश आए, पशीन में कला सैफुल्ला में 26 के करीब लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं और JUI ने इस मौके पे अपने जो कारकुन हैं उनसे ये कहा है कि वो अपनी सरगर्मियाँ महदूद कर दें। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन की जानब से एक फ़ैसला दिया गया है कि जो फॉर्म 33 है उस पे जो PTI के कैंडिडेट्स हैं उनका नाम मेंशन किया जाए। अब ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने नहीं करवाए हैं, लिहाजा ये जो दरख्वास्त है सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त थी इसको मुस्तरद किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी हम चलेंगे। इरशाद साहब मैं चाहूँगा कि आज की ये जो दो वाक़ात हैं आज कला सैफुल्ला और पशीन में हुए हैं और रात ही हम बात कर रहे थे, ब्रिगेडियर साहब खासा कंसर्न शो कर रहे थे, हमारी दुआ है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा निकले, लेकिन इसके असरात क्या होंगे कल जो पोलिंग डे है उस पर? ये खैर अल्लाह का शुक्र है कि ये उस दिन हुए हैं जब सरगर्मियाँ इंतखाबी वो महदूद हो चुकी थी और लोग अब तैयारी कर रहे हैं कल के इलेक्शन की, किस तरह लोगों को पोलिंग पर लेके जाना है, किस तरीके से वोट कास्ट करना है, किस तरह उनको पर्चियाँ तकसीम करनी है। तो इसीलिए ये अगरचे ये बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़ात हैं और 26 जानों का अतलाफ जो है वो बहरहाल बड़ा नुकसान है हमारा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इलेक्शन पर इसके कोई असरात मुरतब होंगे और इसको समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से रहमत हुई है। देखें हमारी जो एजेंसीज़ हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने पहले ही ये कहा था कि सूरत हाल ख़राब है, दहशतगर्दी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कई वाक़ात कबल अज़ वक्त रोके भी और दहशतगर्दों को जो वो चाहते थे वो नहीं, उनकी दो मकासद थे, एक तो ये है कि वो बड़े वाक़ात करें, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब करें, मुल्क का इमेज ख़राब करें, लोगों को सियासी और इंतखाबी सरगर्मियों से रोकें और इंतज़ामिया को या इलेक्शन कमीशन को मजबूर करें कि वो इलेक्शन ना करा सकें, आगे ले जाएं ताकि पाकिस्तान की बदनामी हो, उसमें तो कामयाब नहीं हो सके, इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। तो अब मैं नहीं समझता कि कल के इलेक्शन पर इसका कोई मनफी असर होगा और इंशाअल्लाह ताला वक्त पर इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। JUIF शाजिया आपको याद होगा कि शुरू से मौलाना फजल रहमान उनकी जमात सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार करती थी और साथ ही साथ वो एक मौसम का जवाब भी पेश करते थे कि सर्दियाँ ज़्यादा हैं, वोटर्स नहीं निकलेंगे तो इलेक्शन थोड़े आगे चले जाएँ। बहरहाल अब वो पंडाल में हैं, दो तीन दिन पहले मौलाना साहब भी आए, उन्होंने बात की, लेकिन अल्टीमेटली क्या, क्योंकि उनके इस बयान को बहुत से लोग शक की निगाह से देखते थे कि शायद ये इलेक्शन आगे करवाने के चक्कर में किसी कोई कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन रहे हैं, तो आप समझती हैं कि अब उनकी बात किसी हद तक जस्टिफाई हो रही है? जी हाँ बिल्कुल जस्टिफाई हो रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग यही समझते थे कि सर्दी का भी बहाना बनाया जा रहा है और सिक्योरिटी थ्रेट्स की जो बात की जा रही थी इसको भी बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब वो चीज़ें प्रूफ होती जा रही हैं। बिल्कुल 2013 में आपको याद होगा ANP को भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन हुए थे। अल्लाह करे, इरशाद साहब कह रहे हैं कि वो अब गुजर गया, लेकिन कल तक ज़ाहिर है थ्रेट्स तो हैं, ये वही ताकतें हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम ही देखना चाहती हैं, हमारे मुल्क में इस्तेहकाम को नहीं देखना चाहती हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि कल का जो दिन है पोलिंग स्टेशंस पर कोई ऐसे वाक़यात पेश ना आए, अल्लाह करे खैर से कल का दिन गुजर जाए और जो सारा प्रोसेस ये कम्प्लीट हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा, कल रात तक भी हमें अफसोस ही था जब हम ये देख रहे थे कि जो तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं ज़ोर ज़बरदस्ती कल रात तक जारी थी। यकीन करें बड़ा दुख हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी,
जो लोधरा का हल्का है NA 155, जहाँ से जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मुल्तान से भी लड़ रहे हैं, तो वहाँ से 3 लोगों को तब्दील किया है PTI ने। पहले आप देखें चौधरी शफीक आराई, वो तो वैसे ही उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। उसके बाद पीर इकबाल शाह साहब, उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, सिद्दीक बलोच को हम शिकस्त देंगे, बिल्कुल वो पुरजोश थे, लेकिन आपको पता है उनको उठा लिया गया, वो भी दस्तबरदार हो गए। उसके बाद फिर इफ्फत सुमरो साहब, जिन्होंने कुरान पर हल्फ लिया कि मैं इमरान खान का साथ दूंगी, मैं PTI के साथ खड़ी हूँ, वो कुरान का हल्फ एक तरफ हम उनका देखते हैं और रात को उनकी हम वीडियो देखते हैं कि वो कह रही है मैं जहांगीर तरीन को जो है वो सपोर्ट करूंगी। तो हमारे इस मुल्क में मुझे समझ नहीं आती है कि इतना खौफ कि आपने जिस पार्टी को इतना दबा दिया है, जिस पार्टी का लीडर जेल में है, जिससे आपने इंतखाबी निशान छीन लिया है, जिसको आज़ाद तरीके से कैंपेन करने की आपने इजाज़त ही नहीं दी गई, और आप कितना मारेंगे, ये साफ आपके खौफ को, शिकस्त के खौफ को जाहिर करता है कि आखिरी वक्त तक रात को 11 बजे उनको अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। बिल्कुल ठीक। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, शाजिया ने भी मैंशन किया कि इंतखाबी निशान छीन लिया है, अगर इन प्रिंसिपल हम देखें, ये जो सारा कोर्स चला फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, देन पेशावर हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, एक डिसीजन आता है, ये इंतखाबी निशान छिनवाने में पार्टी की अपना कोई, उसके ज़िम्मे भी कोई बात आती है, या ये वाक़ेतन खालिस्तान एक साजिश है और मौजूदा सियासी माहौल की नज़र हो गया इंतखाबी निशान? सर सबसे पहले बलूचिस्तान में शहीद होने वाले जो उनके फैमिलीज़ हैं, हम उनसे इज़हार ताज़ियत करते हैं, दुआगो हैं कि सबको उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। और आज का जो दिन इस हवाले से मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे है कि 25-26 आदमी जो है ना इलेक्शन के दौरान, जबकि कल इलेक्शन होने वाले हैं, आज उनकी डेथ हुई है। अब जो सवाल आपने किया वो ये है कि बहसियत एक वकील के मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि छीन लिया गया, ये गलत इसलिए है कि जब आप हुकूमत में थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 3 या 4 दफ़ा PTI को नोटिस दिया कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें। आप तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो तस्लीम ही नहीं करते थे, आप उसकी हैसियत को ही तस्लीम नहीं करते थे, ये जानते हुए भी कि वो एक आइनी अदारा है, और जब रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करते तो आपके ही एक फाउंडर मेम्बर ने इस मामले को चैलेंज किया और ये मामला अदालतों में गया। हम जज्बाती अंदाज में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अदलिया जो है ना वो कानून और आयन के मुताबिक फैसला करती है, लोगों की विशेष के मुताबिक नहीं करती। मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि जब ये मामला आया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो अब आपने KPK का एक छोटा सा गांव का इंतखाब क्यों किया जी? और फिर प्रॉब्लम हमारा यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो बनाया गया था, इसका एक कंसेप्ट यह था कि फेडरल गवर्नमेंट के तमाम ऑफिसेस इस्लामाबाद में हैं, वो मामलात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाएंगे जी। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों ने अपनी मर्ज़ी का हाईकोर्ट ढूंढने शुरू कर दिए, और ये मामला जब लाहौर हाईकोर्ट में लार्जर बेंच के सामने पेंडिंग था, पहले सिंगल जज ने फैसला दिया, DB में गया, फिर लार्जर बेंच के अंदर गया, और हमारे सीनियर एडवोकेट जब इस मामले को KPK के अंदर का हाईकोर्ट में लेके गए जी, तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं किया। मेरे नज़दीक ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। वकील का काम यह कि जो पिटीशन फाइल करता है उसमें तमाम फैक्ट को वो एक्सप्लेन करे जी। अब ये मामला कोर्ट में चला, तो कोर्ट में चलने के बाद जो प्रोसीडिंग हुई है वो पब्लिकली पूरी पाकिस्तान ने देखी है, दुनिया ने देखी है जी। आप ये बता दें कि जो जज साहिबान के तो क्वेश्चन आंसर थे, क्या PTI के वकील जो तसल्ली पर जवाब देने के पोजीशन में थे या नहीं थे? तो मेरे नज़दीक नहीं थे, तो वो फैसला मेरे नज़दीक कानून और आयन के मुताबिक है। मैं ज़रा मीर साहब पाकिस्तान की एक रिवायत ये भी है कि सियासी माहौल की रिफ्लेक्शन बाज़ुकात अदलिया के फैसलों से भी आ रही होती है। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब के दिन अच्छे हुए तो उनकी अपील भी लग गई, नैब के केसेज भी उनके ख़त्म हो गए। अभी अगर PTI के दिन अच्छे नहीं चल रहे तो उनसे उनका इंतखाबी निशान भी जा रहा है, उनके लीडर को सज़ाएं भी हो रही हैं। क्या ये वही सिलसिला है कि अदालतों में अगर हम इंतखाबी निशान की बात करें तो वो रिफ्लेक्शन है जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी, या इन प्रिंसिपल PTI की तरफ से लापरवाही बरती गई, ठीक तरीके से अपना दिफा नहीं कर सके, ये उसका नतीजा है? ये एक मिनी रेप्लिका है 90s की पॉलिटिक्स का, और इसमें सब मुलव्वज़ हैं गलतियों से, सारी पार्टीज, आप एक को नहीं कह सकते, सारे। अब सीज़न लगता है, पॉलिटिकल सीज़न,
कभी जरदारी का सीज़न है, कभी नवाज शरीफ का सीज़न है, आज पीटीआई का सीज़न है, तो ये सीजन्स हैं। सबसे अब सख्त सज़ा हो जाती है, फांसी भी हो जाती है, फिर आप उसको एग्जोनरेट कर देते हैं, फिर आप किसी और को पकड़ लेते हैं, फिर आप उसके साथ वही करते हैं, एंड दिस कंटिन्यूज। द प्रॉब्लम इज़ कि हम कहते हैं ना, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारे अंदर कोई बेस है ही नहीं, और सबसे ज़्यादा बेस हमारी अवाम में नहीं है जी। ये जैसी अवाम वैसी आपके पॉलिटिशियंस, सिंपल एज दैट। वो रिफ्लेक्शन है आप कि आप किसको इलेक्ट कर रहे हो। अब यहाँ बात आती है कि अभी शाजिया ने एक पॉइंट रेस किया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी नज़र में। आप एक बैनर के नीचे आते हो, आपको रिकग्निशन मिलती है, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, और उसके बाद आप नौकरी के लिए कहीं और पार्टी में चले जाते हो। किस किस्म के लोग हो आप जी, क्यों नहीं खड़े होते? मैं दाद देता हूँ PMLN के वो लोग के जब नवाज शरीफ तकलीफ में था उनके साथ खड़े रहे। मैं दाद देता हूँ उन लोगों को पीपल्स पार्टी के जो पार्टी प्रॉब्लम में थी उनके साथ खड़े रहे। आज मुसीबत का वक्त आया है इनके ऊपर PTI के, ये तितर बितर हो गए, ये इस तरह ड्राई क्लीन हुए हैं। अच्छा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे ही। प्रेशर की बात की जाती है, जो शिद्दत है प्रेशर की, क्या वो नवाज शरीफ के लोगों पे कम थी, पीपल्स पार्टी के जयालों पे कम थी, या इन लोगों पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रेशर है? आप पूछें खबर हाशमी साहब से, हाशमी साहब से पूछें उनसे, आप पूछें जहांगीर बदर से, मैदानों में जब कोड़े लगे, के जो मैदानों में जो कोड़े लगे उनको, वो खड़े रहे, वो चेंज नहीं हुए। इनको क्या दो दिन बंद करके तो बाद में ड्राई क्लीन होके कहते हैं नहीं जी हम इधर चले जाते हैं? सही। अभी आपने शाजिया किसका नाम लिया जिसने पार्टी अभी वो रात को खड़ी थी? इफ्फत सुमरो, डाई हार्ड, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू लीव योर लीडर, कुरान पे हल्फ दे रही हैं, अंदाजा लगाओ। तो अगर आप ये करोगे तो ये ऐसे लोगों को, तो मैं कहूंगा ऐसे लोगों को कभी आप वोट मत दो। हाँ, पार्टी को जिसने पहले छोड़ दिया, फिरदौस ने छोड़ दिया, जहांगीर तरीन ने छोड़ दिया, अलीम खान ने छोड़ दिया, वो सेपरेट है, वो बिल्कुल सेपरेट है, उन्होंने पहले कर दिया। जब पार्टी प्रॉब्लम में आती है वहीं तो पता लगता है कि आपका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रात भी हम इस पर बात कर रहे थे कि जब आप इक्तदार में थे तो आस्तीनें चढ़ा के आप ललकारते थे मुखालिफिन को, और अब जो है जब खुद पर दबाव आया तो फिर कोई इधर निकल रहा है, कोई उधर निकल रहा है। ब्रिगेडियर साहब, रात भी आपने कंसर्न शो किया था, लेकिन आज ये अफसोसनाक वाक़यात हो गए, हम दुआ गो हैं कि कल का दिन अच्छा गुजरे। आप क्या समझते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान को जब हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत उन्होंने पैसा लगा रखा है बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने के लिए, क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी लग रही है आपको, डीस्टेबलाइज करने की कोशिश है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि अंदरूनी दुश्मन हो या उनकी सपोर्ट हो बाहर से, बैरूनी दुश्मन, उनकी कोऑर्डिनेशन, आपस में कोलैबोरेशन, बिल्कुल वो तो इस वक्त बलूचिस्तान वैसे भी आपको पता बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ में है, क्योंकि वहाँ बड़े अरसे से टेरर वेव चल रही है। तो उनका मकसद, मेरे ख्याल जो इमीडिएट उनका मकसद ये था कि हम ऐसे हालात पैदा करें कि वाकई रियासत पाकिस्तान, हमारी इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाए इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए बलूचिस्तान में। तो इरशाद आरिफ साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, हमने उनको इस ऑब्जेक्टिव में हमने उनको शिकस्त दी है, और शिकस्त किसने दी है, क्रेडिट किसको जाता है? पहली बात यह है, देखें कि वी मस्ट टेक आर हेड्स ऑफ टू आर सिक्योरिटी फोर्सेस, टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल जो मौजूदा गवर्नमेंट, सिक्योरिटी के इदारे जो कि बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, और आज हमें इस नहज पर हम पहुँच गए हैं कि अब हम कहते हैं कि इंशाल्लाह बिल्कुल कल इलेक्शन होंगे कम वोट में, और इलेक्शन आप देखें जस्ट नाउ इस टमोरो मॉर्निंग। कहने का मतलब यह है कि दहशत गर्दों का जो इमीडिएट अदर है तो वहाँ तो वो फेल हो गए, लेकिन ये ना समझें कि वो अब पीछे हट जाएंगे। वो उनका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि हमने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है, बलूचिस्तान को करना है, KP को करना है, वो उनके अजायम वहाँ पर कायम है। बिल्कुल हम पहले को थोड़ा बहुत हंसते भी थे कि ये मौलाना फजलुर्रहमान साहब डर गए, ये कोई रास्ता ये कोई एग्जिट का रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन नहीं, ही वॉज राइट। देखें JUIF पे केला सैफुल्ला में जो मौलाना वासिक साहब, उनके बड़े टॉप लीडर बलूचिस्तान के, उनके उस ऑफिस में जो हमला हुआ, ठीक है ना जी, और ये कल भी हमने कहा था कि ये सीरीज ऑफ अटैक्स कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इम्पोर्टेंट बात करें, देखें आज दो अच्छी खबरें मेरी नज़र में,
पहली खबर तो यह है कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉयड हो गई हैं इलेक्शन ड्यूटी के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान। नहीं, इंपॉर्टेंट। दूसरा, देखें कल मियां नवाज शरीफ साहब ने एक वो बात की है, अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसको मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को इंतज़ार था कि ऐसी बात होगी। उन्होंने कहा वक्त आ गया, हील द नेशन, गिव होप टू द नेशन, गिव होप टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता हूँ अब ये, तो अब ये उम्मीद क्या है, ये उम्मीद क्या है, ये उम्मीद कौन देगा, ये किस सूरत में होगी, ये एक अलहदा बात है, इस पर हम बात करेंगे। राना साहब, आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो ग्रीवेंसेस थे, शिकवे थे, वो वैलिड थे? क्योंकि उस वक्त बहुत बात की जा रही थी कि मौलाना शायद किसी के कहने पे ये बात कर रहे हैं, मौलाना इलेक्शन पोस्टपोन करवाने वाले लोगों के साथ हैं, या अब ये वक्त साबित कर रहा है बाजोड़ के बाद फिर ये बलूचिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैकी या सैयदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैकी या सैयदी या हबीबल्लाह। इसमें तो कोई शक नहीं कि मौलाना साहब जो कह रहे थे वो रिपोर्ट्स भी थी, क्योंकि मैं एक क्राइम की बीट भी करता था, मुझे उस सारी चीज़ों का पता था, रिपोर्ट्स भी थी। लेकिन जमहूरियत नाम इसी का होता है, इलेक्शन जो होता है ना वो दहशतगर्दों को शिकस्त देने का भी एक नाम है। अगर हम उस वक्त ये फैसला कर लेते हैं कि दहशतगर्द जो है वो हमें ये करना चाहेंगे और इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब वो जीत गए और ये जो कुर्बानियां हैं ये रायगा नहीं जाती। इन कुर्बानियों का समर ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी जमहूरियत होती है, ये बात तो बड़ी क्लियर है। तो उसी बात मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं इससे हटके करना चाहूँगा। अभी बात हो रही थी कि जो शाजिया ने बात की वो बड़ी बात थी, मेरे पास तो वो लिस्ट मौजूद है कि निशान छिन गया, नहीं निशान चला गया, चले छिन गया लफ्ज़ हम ख़त्म कर देते हैं, आइन और कानून के मुताबिक ठीक हो गया, ओके जी इसे कर देते हैं। लेकिन अब जिन लोगों को आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको रात को घरों से उठा लिया गया, ये जिस हम बात कर रहे हैं इफ्फत के, किसी को पता है ना दो दिन पहले इफ्फत को किस तरह उठाया गया, चौंक से उठाया गया। आपको पता है ना रात को डेरा गाजी खां में जरताज गुल के साथ क्या किया गया? क्या लोगों को नहीं पता कि बिहारी से किस किस उम्मीदवार को उठाया गया? लोगों को नहीं पता कि अरशद मंडा जो है वो अभी दो दिन पहले छूट के आता है, जमानत पे आता है, उसे फिर उठा लिया जाता है? लोगों को नहीं पता कि पूरी रात जो है किस तरह छापे मारे गए? क्या हमें नहीं नज़र आता कि कराची के अंदर सिंध हाउस जो है, जो इंसाफ हाउस है, उस पर पुलिस ने कब्जा कर लिया? भाई आपने कानून के मुताबिक सारा कर दिया, इस इलेक्शन को भी कानून के मुताबिक होने देना, इस इलेक्शन में भी जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको लड़ने देना। फिर वो 16 अफराद जिनके कहने पे आपने 1,64,00,000 लोगों से लोगों को उम्मीदों पे पानी फेर दिया, मान लिया उन्होंने ठीक कहा, क्या इस पूरे इलेक्शन में वो 16 लोग किसी एक हल्के में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, किसी एक के तजवीज़ कुंदा हैं, किसी एक के तइद कुंदा हैं? वो किधर के लोग? वो तो सियासी लोग थे ना, वो पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो पार्टी में को बड़ा मजबूत बनाना चाहते थे। उसके लिए पहले आपको अवाम में भी जाना पड़ता है ना कि अवाम के अंदर आपकी क्या है, वो नहीं थे ना। तो फिर माजरत से मैं किसी इदारे पे तनकीद नहीं कर रहा, फिर माजरत से फिर आपको समझ लेना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा था। अभी हम कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, बिल्कुल आईनी इदारा है, जिस दिन उस आईनी इदारे के बाहर एक कंटेनर लगा कर, सिर्फ एक मिनट में खत्म कर दूंगा, कंटेनर लगा कर मरियम साहब से लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो तकरीर की थी, महमूद अचकज़ई साहब से लेकर बाकी लोगों ने, अगर वो तकरीर आप दिखा दें और फिर अगर उस पर एक क्या रपट दर्ज हुई थी, एक FIR दर्ज हुई थी, क्या उस पर किसी ने कोई एक्शन लिया था, क्या वो तोहीन इलेक्शन कमीशन नहीं थी, तो फिर ये तो सबके लिए एक जैसा रखेंगे तो ये मुल्क बेहतरीन हो जाएगा। ये हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? राना साहब तो ये कह रहे हैं कि ये किया जा रहा है, लेकिन राना साहब ये नहीं बता रहे कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। राना साहब अगर ये नहीं बता रहे तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन राना साहब ने जो मिसालें दी हैं रीसेंट पास्ट के वाकयात की और जो जलसों की बात की है, देखें प्रॉब्लम ये, फारूक साहब ने एक बात की कि मियाँ साहब ने कहा है कि जी आई विल हील द नेशन। हर बंदा आता है, कोई कौम से माफ़ी मांगता है, कोई हील करने की, क्या बादशाह सलामत है इस मुल्क ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? मेरा जिम्मेदारों से मुतालिक सवाल ये है कि क्या ये जो हाथों की दी हुई दांतों से खुल रही हैं? सर ये तो आपने कहा है, आप इसका मतलब आपको अंदाज़ा होगा कि इतनी शिद्दत से गांठ बंधी है कि दांतें उसे खोलनी पड़ रही है, मुझे इतनी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो बात फारूक साहब ने की मैं उससे आगे चलूँगा, तो मियाँ साहब क्या बादशाह सलामत हैं या ये मुल्क, मतलब वो मुंतखब वज़ीर आज़म है और मुंतखब वज़ीर आज़म ने एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाना है। आपके 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, वो आपके इसलिए पाबंद नहीं है कि मियाँ साहब बादशाह सलामत हैं तो बलूचिस्तान और KP आपके पाबंद हैं। आपने एक मुआहदे के तहत, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में आप रह रहे हैं। जो कुछ आज बुरा लग रहा है राना साहब को, 2014 में इन्हीं इदारों के सामने कंटेनर नहीं खड़े हुए होते थे, उस वक्त किसी को नज़र नहीं आते थे, उस वक्त भी ये सवाल राना साहब उठाते ना, 2014 में क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ नहीं किया गया? वो हमें, हम भूल गए,
हमारी हिस्ट्री बहुत रिसेंट वाक़ात पे शुरू होती है। यासीन आज़ाद साहब ने जो बात की, कट शॉर्ट, पीटीआई मेरे हिसाब से अदम एतमाद से लेके आज के दिन तक किसी भी मामले को पॉलिटिकल को पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर रही, लीगल को लीगल हैंडल नहीं कर रही। सर सिर्फ नैरेटिव की बुनियाद पे राणा साहब और पीजे मीर साहब या मैं कह सकते हैं यार इखलाकी तौर पे ये गलत है, लेकिन कानूनी तौर पे उसको जवाज देकर किसी भी जज ने अगर कोई भी फैसला लिखना है उसे कानूनी ग्राउंड्स चाहिए, अगर वकील वो कानूनी ग्राउंड्स नहीं दे सकता तो वकील अपना मुकदमा हार चुका है। सही है। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत दे दें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने आगे ये भी कहा कि हम वी विल अनडू द डैमेज एट ऑल लेवल और उनका क्लोज द पास्ट चैप्टर। देखें ये हम चाहते हैं, देखें जी हमेशा क्लोज द पास्ट चैप्टर सीखेंगे कब सर। मैं मुझे बड़ी खुशी होती है पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है, के हमले के वक्त भी हमें कहना चाहिए था। अच्छा एक ब्रेक लेने अनफॉर्चुनेटली क्लोज द पास्ट चैप्टर होता है बट हिस्ट्री रिपीट्स इट्स क्लोज द पास्ट चैप्टर ये चल रहा होता है, लेकिन नेशन को लेकिन फिर सवाल ये है कि यहाँ पे नेल्सन मैंडेला कौन है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाइनटी टू न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अब हम जो कौमी असम्बली का हल्का है NA 122 लाहौर, इस पर भी बात करेंगे और दो बड़े कदावर लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के मंझे हुए हैं, ख्वाजा साद रफीक और लतीफ़ खोसा साहब, ये इसमें मद्दे मुकाबिल हैं। और मोहम्मद इम्तियाज़ साहब TLP के भी हैं, TLP फैक्टर को भी यहाँ पर लाहौर में सेंट्रल पंजाब में आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस पर ज़रा हम बात करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, और हालिया जो इलेक्शन कैंपेन चलाई है मुस्लिम लीग नून ने, उसने ख्वाजा साद रफीक को बिलखसूस जो नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद में कहा था कि मेरे पास जो है वो मम्मी डैडी यूथ नहीं है, इस तरह की जो बातें हैं उन्होंने ख्वाजा साद रफीक को फ़ायदा दिया है या वो नुकसान देंगी, और लतीफ़ खोसा साहब क्या ये बुर्ज उलट पाएंगे, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उससे पहले जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मीर साहब आप ज़रा ब्रीफली कमेंट कर दें, आपने पब्लिक से रिलेटेड बात की थी। हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा बात होती है कि पॉपुलैरिटी, शोहरत, मकबूलियत, पब्लिक का पैमाना क्या है किसी को मकबूल करने का, कबूल करने का, मशहूर करने का? डिलीवरेंस, सिंपल। अगर पब्लिक को आपने अपीस करने तो आप डिलीवर करें, क्योंकि ये जो हर साल 5 साल के बाद हम एक लॉलीपॉप 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम का ले लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हाँ हमने वोट इनको देना है, ये ख़त्म कर दें आप। देखो बड़े बड़े वादे हुए हो रहे हैं लेकिन वो इम्पॉसिबल है, फिनेंशियली यू कैन नॉट डू देम विद $126 डेट। आप पैसा कहाँ से लेके आएंगे जो आप सवाल कर रहे हैं कि ये जी ये किससे ये क्या करेंगे? भाई ये आपसे लेंगे, आप टैक्स देंगे और आप इतना टैक्स दे देंगे कि आपका अपना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा जी। गरीब आदमी तो है ही वैसे ही, बेलगाम। सो मैं ये कहता हूँ कि आप वादे ना करो, बी ऑनेस्ट एंड से कि हम कोशिश करेंगे। ये जो आप मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो ट्रेन्स कर दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना 300 वाट बिजली कर दूंगा, और भाई ये पैसा तुमने रिकवर तो करना है ना कहीं से जी। Where will you get the money from? सर, आवाम ट्रक की बत्ती के पीछे लगते क्यों हैं? यार ये देखो ना, ये बड़ी चुपती बात की है शाजिया ने, बिकॉज वी आर स्टूपिड। यस, हम पागल हैं, हम खड़े हो जाते हैं, ओ जी ये हमें देगा। ओ यार आपने सबको देख लिया, क्या दिया आप इलेक्शन से पहले 2000 सबको दे दें घरों में जाके, वोट आपका। वो तो क्योंकि वो सर्वाइवल पे है। यस, वो तो फ्रॉम 8 AM इन द मॉर्निंग। सब क्वेश्चन इज दैट कि आप डिलीवरेंस की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो डिलीवरी के एतबार से अगर आवाम ने मापना हो तो वो तो फिर ये किसी खास मखसूस
लीडर्स के शहर में ना हो, वो बानी पीटीए के शहर में ना हो, वो नवाज शरीफ के शहर में ना हो, वो जरदारी साहब के शहर में ना हो, वो तो जो काम करेगा उसके शहर में हो। यहाँ तो मकबूलियत चंद घरानों की है। देखें, उनको छोड़ दें, पूरी दुनिया के अंदर अमीर गरीब बैठे हैं, पूरी दुनिया के अंदर हमारे भी हैं, लेकिन हम गरीब को एक्सप्लॉइट करते हैं जी। हम गरीब को गरीब बनाते हैं, उसको ये नहीं करते कि उसको स्किल्ड बना के उससे काम करवाएं। हम वो नहीं करते, पहले रोटी छीनते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करते हैं हम आपके लिए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज बन जाती है। अगर डिलीवरेंस और परफॉर्मेंस होती तो पाकिस्तान के हर हल्के से जमात इस्लामी जीतती है। ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जितना अगर डिलीवरेंस की बात करते हैं, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, शुरू सैलाब में जो उनकी शुरू करके, मैं कह रहा हूं छोटा काम हो या बड़ा काम, बिल्कुल एग्जैक्टली शुरू करके उसे पाया तकमील तक पहुंचाना, अपना जो भी उनका हल्का अहबाब है, जो भी उनके पास जाता है, उसको डिलीवर करना, तो फिर वो जमात इस्लामी ने किया। लेकिन 75 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे कमजोर हालत में वही रही। अच्छा, मैं जरा एनए जो 122 है अब, इसका जरा खदोखाल बयान कर दूं, और इससे पहले जो नतीजे रहे 2018 के इलेक्शन में, ये एनए 131 था। इमरान खान साहब, साद रफीक साहब और मुर्तजा हसन साहब टीएलपी के यहाँ पे मद्दे मुकाबल थे। 84,531 वोट इमरान खान साहब के थे, साद रफीक साहब के 83,775 थे, और मुर्तजा हसन साहब टीएलपी के जो हैं उनके 9,788 थे। 2013 में साद रफीक साहब यहाँ से जीते थे 1,23,094 वोट, और उनके मुकाबले में पीटीआई के हामिद खान साहब 83,190 वोट लिए थे, और पीपल्स पार्टी के नवीद चौधरी साहब ने 40,008 वोट लिए थे। 2008 में 70,752 वोट साद रफीक साहब के, उस वक्त ये एन ए 125 था। नवीद चौधरी साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं 24,592, और हुमायूं अख्तर खान साहब के 13,702 वोट थे। अब की बार साद रफीक साहब, सब लतीफ़ खोसा साहब और मोहम्मद इम्तियाज़ साहब हैं टीएलपी के, ये नुमाया यहाँ पे कैंडिडेट्स। मेरा सवाल ये है कि ये हलका, ये आपने देखा है, इस पर मोस्टली आप जिसको आप अपर क्लास बोलते हैं वो लोग रहते हैं, लेकिन जब मियाँ साहब फैसलाबाद में कह रहे थे कि मेरे साथ तो ये यूथ है, मम्मी डैडी लोग नहीं हैं, एक मेरी तरफ से मेरी नज़र में एक वो ब्लेंडर था बींग अ पोलिटिकल लीडर, जब आप ये बात करते हैं कि साद रफीक साहब के हक में या मुखालिफत में उसको कोई फैक्टर आएगा, या वैसे ही यहाँ आप समझते हैं कि मुकाबला टक्कर का है। मैं इस पर अर्ज़ करता हूँ, लेकिन ये रात भी बात हो रही थी, आज फिर बात हो रही है अवाम के हवाले से। मैं हैरान हूँ कि यही अवाम अगर 1947 में पाकिस्तान बना दें तो ये बड़े बाशऊर अवाम है, 1970 में ये बड़े बड़े बुर्ज उलट दें, जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, जो 30-30 साल से, 40-40 साल से सियासत पर काबिज थे, तो ये बड़े बाशऊर अवाम हैं। लेकिन और उस वक्त ये बेशऊर हो जाते हैं जब वो बुर्ज उलटना चाहते हैं और पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि आप घर से निकल नहीं सकते, आप किसी का नारा नहीं लगा सकते, किसी का झंडा नहीं लहरा सकते, किसी का बैनर नहीं लगा सकते, किसी के हक में कंपेन नहीं कर सकते, किसी उम्मीदवार को अपने घर में मधु नहीं कर सकते, जिस घर में जिस शख्स के पास फलां चीज़ पाई जाएगी उसको जेल जाना पड़ेगा, तो उस वक्त बेशऊर हो जाते हैं। भाई हो ये रहा है कि इन अवाम को जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, इन्हें इतना बेशऊर ना समझा जाए। ये मजबूरियां और ये पाबंदियां और ये कदगने हैं जिसकी वजह से हम मर्ज़ी के रिज़ल्ट हासिल करने के बाद कहते हैं कि जो लोग इस रिज़ल्ट को नहीं मान रहे वो बड़े बेशऊर हैं, वो किसी के शहर में गिरफ़्तार हैं जी। ओ भाई, जब ये यही लोग होते हैं ना, 2008 में 1 जनरल कियानी ने आर्डर किया कि जी कोई मुदाखलत नहीं होगी, रिज़ल्ट तब्दील हो गए। उस वक्त काफ लीग नहीं जीत सकी, उस वक्त यही अवाम थे ना, या को इम्पोर्ट हुए थे अवाम, इस मुल्क के अवाम थे, चूँकि वो काफ लीग के हक में नहीं थे, वो परवेज मुशर्रफ को नापसंद करते थे। थोड़ी सी आपने एक दिन आज़ादी दी, उन्होंने दिखा दिया कि हम किसके साथ हैं जी। अब अगर लीडरशिप डिलीवर नहीं करती तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अगर वो मुनाफिक हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो धोखेबाज हैं, वो इक्तदार के रस्सियाँ हैं, वो अपने ख़ानदानों के लिए जायदादें बनाना चाहते हैं, बैरूनी मुल्क बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम बेचारे एक पर एतमाद करते हैं, वो उनको धोखा देता है, वो उसको नहीं लाना चाहते। लेकिन मेरा और आपका इसरार है कि नहीं जी, नहीं,
आपने चूंकि हमने फैसला कर लिया है अब इसको कबूल करना पड़ेगा। अब इस वक्त आज मैं दावे से कहता हूँ सिर्फ आज के दिन इस मुल्क के अवाम को यकीन दिला दिया जाए कि कल जब आप निकलेंगे जिसके हक में वोट देंगे उसके हक में वोट निकलेगा और वो कामयाब होगा। मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट आते हैं। कैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगते हैं बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े तजियाकार आपकी दलील ये थी, बड़े बड़े तजियाकार लिख रहे हैं मुस्लिम लीग नून 110 सीटें, ये कहाँ से आ गई हैं 115 सीटें, जनाब पीपल्स पार्टी 55 सीटें, ये कहाँ से आ गई हैं जी, वो PTI 35 सीटें, ये कहां से आपने अंदाजा लगा लिया या किसने आपको रिजल्ट दे दिया? अच्छा अभी मैं अभी सुने, ये तो 2013 का मॉडल, अभी मुझे एक दोस्त ने कहा KPK में जी KPK में नंबर वन जो है वो PTI होगी 10-15 सीटों के साथ, दूसरे नंबर पे मौलाना फजल रहमान की जमात होगी। वो मौलाना फजल रहमान को तो कैंडिडेट नहीं है, उनकी जमात दूसरे नंबर पे कैसे आ जाएगी? सही है। तीसरे नंबर पे एएनपी होगी। अच्छा चाचा साहब इस पे आते हैं। नहीं अब मैं उस हलके की तरफ आता हूँ जी। सो इसलिए अवाम को इतना ज्यादा भी ना समझें कि बिल्कुल बेशऊर हैं जाहिल हैं ट्रक के, उनको मौका ही नहीं दिया जाता, उनके दरवाजे बंद, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अवाम का वोट है, पॉलिटिशियंस का नोट है। हाँ तो नोट को शिकस्त दी है। अच्छा 2008 के इलेक्शन में नोट को शिकस्त हुई है, 2008 के इलेक्शन में ताकत को शिकस्त हुई है, 2000 गुजारिश यह है कि साद रफीक साहब जो हैं एक उस हलके के मजबूत कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उनको नुकसान जो हुआ है वो इस चीज़ का हुआ है कि यह हल्का तकसीम हो गया, वो देहात उसमें शामिल कर लिए गए हैं जो पहले नहीं थे। एक बात दूसरी यह है कि जो नैरेटिव इस वक्त चल रहा है डिफेंस में, उस नैरेटिव का साद रफीक साहब को नुकसान होगा पढ़ी लिखी आबादी में जी। ये मम्मी डैडी ग्रुप वाला भी और कंप्रोमाइज़ वाला भी और बाकी चीज़ें जो हैं, लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनका ये मसला है कि वो अभी 2-1.5 महीने पहले PTI में शामिल हुए, टिकट मिल गया, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना वो वहाँ के रहने वाले हैं ना उनका कोई बहुत ज़्यादा काम है जी। अगर तो मुकाबला हुआ नैरेटिव में तो लतीफ़ खोसा साहब मजबूत पोजीशन में, सही है राणा साहब। अगर मुकाबला हुआ पब्लिक की सतह पर काम में तो फिर साथ राणा साहब की बड़ी गहरी नज़र है। मैंने 122 में जाकर ग्राउंड पे मैंने प्रोग्राम किया है, ख्वाजा साहब का जो हल्का है लतीफ़ खोसा साहब जो मद्दे मुकाबिल है, यकीन करें जब मैं वहाँ गली गली जा रही थी मेन रोड्स पे खड़ी हुई थी वहाँ नून लीग का वोटर सपोर्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो मुझे दिखा रहे थे ये देखें सामने पुल बना हुआ है, ये देखें सामने सड़कें बनी हुई हैं, ये देखें हमारी गली का काम हुआ, ये देखें हमारे सीवरेज का काम कर दिया है। तो मैंने जो वहाँ जाकर देखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा तबके की बात नहीं मैं कर रही, मैं डिफेंस वाली साइड पे नहीं गई थी, मैं फिरोजपुर रोड वाली उस साइड पे गई थी जहाँ सामने बिलावल भुट्टो का जो NA-127 है, तो मुझे वहाँ पर नून लीग का जो वोटर है सपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड नज़र आया। वो मियाँ दे नारे वजन के वो उसी तरह बातें कर रहे थे, वो उसी तरह कह रहे थे कि ये आते हैं। मैंने कहा कि आप लोग ये जो नान बिरयानी ये क्या कहानी है, क्या करते हैं आप, क्यों आप इस तरह वोट देते हैं? कहते हैं आप लोग हमें कहते हैं कि हम नान खाकर बिरयानियां खाकर कीमे वाले नान खाकर वोट देते हैं, तो इसमें क्या हम आम दिनों में भी तो खाना खाते हैं, अगर वो हमें खिला देते हैं खिलाएं ना खिलाएं वोट हमने फिर भी नवाज शरीफ को ही देना है। और दूसरी बात एक और बात, अभी यासीन आज़ाद साहब ने पिछले सेगमेंट में बात की थी कि यहाँ पर जो फैसले हैं वो आयन और कानून के मुताबिक ही होते हैं, ये हमारी किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो सकते, आपने यही बात की थी। तो हमें इस चीज़ का जवाब आज तक क्यों नहीं मिला कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई थी वो आयन और कानून के मुताबिक हुई थी या उनकी जो बरियत हुई है ये गैर आयनी हुई है, ये गैर कानूनी तौर पर हुई है, ये क्या ये हमें आयन और कानून अपनी आप लोग ट्रक की बत्ती के पीछे हमारी अदालतें नहीं लगाती हैं? उस वक्त अदालतों ने गलत किया था या आज अदालतों ने ठीक किया है, ये भी आप हमें अच्छा इस पे यासीन साहब देंगे जवाब। राणा साहब NA-122 इसमें एक बता दूं, NA-122 जो है इसके 5 सूबाई हलके, मैं एक बता दूं जो पहले ख्वाजा साहब के साथ इलेक्शन लड़ते थे उस वक्त 3 हलके होते थे सूबाई नीचे, 155 156 157 160 170, ये 7 हलके हैं। अच्छा इन 7 हलकों में से 5 हलके हैं, सॉरी इन 5 हलकों में से 2 हलके ऐसे हैं जो बिलावल भुट्टो के भी नीचे आते हैं, मतलब 6 1 2 7 में। हाँ
छः यूसी एक तरफ हैं तो छः यूसी एक तरफ सही है। उसके बाद अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट जो खरीद व फरोख्त जिस पे सबसे चीखो पुकार पड़ती है वो एक आबादी है अकलियतों की जहाँ पे ये सारा कुछ होता है, वो इन दोनों हलकों में आ रही है, बलावल साहब के हलके में भी और ख्वाजा साद रफीक साहब के हलके में। ख्वाजा साद रफीक साहब को चूँकि इलेक्शन लड़ना आता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद बहुत से लोगों से ज़्यादा बेहतर मैं जानता हूँ, उन्हें इलेक्शन नहीं आता इलेक्शन लड़ना जी खोसा साहब नहीं, खोसा साहब को इलेक्शन लड़ना नहीं आता। मैं अर्ज कर अगर तो इलेक्शन इलेक्शन हुए अगर तो वोट से फैसला हुआ तो मैं गारंटी से कहता हूँ फिर फैसला ख्वाजा साहब के हक में नहीं होगा क्योंकि ये हल्के उनके वो हल्के नहीं। अच्छा दूसरी सूरत में क्या होगा उसमें में दो एक अगर इलेक्शन ना हुए दूसरी सूरत में क्या होगा अगर इलेक्शन साफ शफाफ हुए वो जो रिजल्ट है शायद इन सब के पास है सलमान उनके पास है अरशद आरिफ साहब के पास है शायद किसी और के पास मेरे पास पैसे नहीं है एडवांस में बता रहा हूं। अगर इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुए तो वही होगा फिर भी वही होगा बात ये लग रही है। और अगर साफ शफाफ एक जुमला फैसले एक जुमला मैं आपको एक बात बता दूं ख्वाजा साद रफीक साहब के एक कई इलेक्शन मैंने लड़े हुए हैं मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वो मेरे थे। मैं बिल्कुल मैं रहा हूँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूँ मैं क्यों कहता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि जो शख्स अभी सब कर रहे हैं जो शख्स जो है वो ये कह सकता है कि फला हाउसिंग सोसाइटी में हलफ दे के कहता हूँ मेरी नहीं है तो यार फिर वो सब कुछ कर सकता है फैसले एक जुमला लेकिन नहीं 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 ये देखिए राणा साहब बिफोर इलेक्शन ये हम इस पे पर्सनल स्पेसिफिक नहीं हो सकते नहीं पर्सनल नहीं कह रहा आप शायद आप दिल पे ले गए हैं मैं दिल पे नहीं लेके जा रहा मैं कह रहा हूं इलेक्शन शायद उनको लड़ने का तरीका है उनको पता है हमारे हमारे कमर्शियल ड्रॉप हो रहे हैं ब्रेक लेना फौरन ब्रेक लेना ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं ये कमर्शियल तो ड्रॉप नहीं होने चाहिए।